सीतापुर जनपद के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से इस लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अभी यहां पर बाबा कामेश्वर धाम में सूरज कुंड मंदिर में दर्शन करके आप सबके उत्साह को मैंने देखा है। जन विश्वास यात्रा के मंच पर आने के पहले जनपद की 117 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सब सीतापुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के जिन कार्यों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यों की उपलब्धियों को लेकर के एक बार फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि आप सबके बीच में आ रहे हैं और मैं आभारी हूं आपका। आपने भारी संख्या में जिस उत्साह के साथ इस यात्रा का समर्थन किया है, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, मुझे अभी यहां पर जब मैं आया था तो कामेश्वरनाथ धाम में यहां के हमारे विधायक श्री सुनील वर्मा जी बता रहे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के साथ साथ अपनी विधायक निधि का भी उपयोग यहां के विकास के लिए किया है और कितना अच्छा दर्शनीय हो गया है धाम। ऐसे ही रामकृष्ण भार्गव जी बता रहे थे कि नेमिस तीर्थ के विकास के लिए जो कार्य हुआ है, नेमिस तीर्थ हजारों वर्षों की विरासत हम सबके साथ, जहां पर हजारों की संख्या में ऋषि मुनि एकत्र होकर के भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, वह धाम हमारे जनपद सीतापुर में और वहां पर सुंदरीकरण करने का सौभाग्य आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद माननीय विधायकों को प्राप्त हो रहा है, यह उनके लिए सौभाग्य का अवसर है। और स्वाभाविक रूप से अर्जित होने वाले पुण्य को आप भी उसके साथ जुड़ रहे हैं और यही फर्क है। यही पैसा जो आज कामेश्वरनाथ धाम और नेमिस तीर्थ के विकास के लिए खर्च हो रहा है, 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे चला जाता था और आपके तीर्थ देखते रह जाते थे। मैंने तो विकास को बहुत नजदीक से देखा है प्रदेश के अंदर। अभी यहां पर कह रहे थे केंद्रीय शहरी मंत्री श्री कौशल किशोर जी एक बात कह रहे थे कि पिछली सरकार के समय में 5 वर्ष में 18,000 लोगों को केवल मात्र आवास सैंक्शन हुए थे पूरे प्रदेश में। और कौशल किशोर जी अकेले सीतापुर जनपद में आवास योजना में हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 2 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 7 लाख से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। यह है डबल इंजन की सरकार का लाभ। ये जो आवास पहले गरीब को ढूंढने से नहीं मिलते थे, ये पैसा कहां चला जाता था? शौचालय का पैसा पहले कहां चला जाता था? बिजली का पैसा कहां चला जाता था? भाइयों बहनों, मैंने तो आज तक देखा था और मैंने सुना था और पुराणों में भी धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में
बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवारों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं, और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे, और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर पटोला रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और आज दृश्य आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी कुछ आया है, चैनल ने भी कुछ दिखाया है, सोशल मीडिया में भी आपने इनके काम को नहीं इनके इन कारनामों को देखा होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये केवल गरीब को योजनाओं से वंचित ही नहीं करते थे बल्कि गरीब को जो आज फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, इस राशन की सुविधा को भी ये हजम कर जाते थे। आज गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन की सुविधा कोरोना कालखंड में अच्छी सुविधा है कि नहीं है? और इस बार तो दाल भी मिली होगी, और दाल भी अच्छी क्वालिटी की है, पैक्ड है पूरा। अगर सपा की सरकार होती भाइयों बहनों तो चाचा और भतीजे में लूट मच गई होती। और ये गरीब देखता रह जाता, गरीब को सुविधा का लाभ पहले नहीं मिलता था, न आवास योजना का लाभ मिलता था, न शौचालय का लाभ मिलता था, न स्वास्थ्य की सुविधा मिलती थी, न बिजली का कनेक्शन ही मिलता था, और बिजली तो ढूंढे भी नहीं आती थी। 2017 के पहले बिजली आती थी क्या? 2017 के बाद आ रही है ना, और अब आ गई है तो फिर जाएगी नहीं। पहले गरीब के लिए नौकरी आती थी, और महाभारत के रिश्ते समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के सब निकल पड़ते थे, कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं बबुआ, कहीं मामा, कहीं भांजा, और क्या क्या कौन कौन रिश्ते होते हैं, ये सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। नौकरी नहीं लग पाती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। 2017 के बाद जितनी नौकरी लगी है, लगभग 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर हम नौकरी देने जा रहे हैं। अभी तो कुछ नियुक्तियों के पत्र वितरित होने बाकी हैं। मैंने विभागों से कहा कि वे स्वयं ही वितरित कर दीजिए, मुझे अब समय मिलना कठिन होगा। लेकिन भाइयों बहनों, 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी, और कोई नहीं कह सकता कि कोई लेन देन किसी ने किया हो, कोई भ्रष्टाचार किया हो। अगर कहीं से कोई सुगबुगाहट दिखाई दी तो भ्रष्टाचारी को उठा करके जेल भेज दिया गया। लेकिन प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। प्रदेश के नौजवान को सम्मान देने का कार्य किया, और अब तो बबुआ को एक बात की और चिढ़ हो गई है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट क्यों मिल रहा है,
क्योंकि ये स्मार्टफोन गरीब के हाथ में आए, ये स्मार्टफोन प्रदेश की बेटियों की हाथ में आए, ये टैबलेट का लाभ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी हमारा नौजवान करे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करे। यह समाजवादी खानदान कैसे बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वहां तो उनके लिए प्रदेश नहीं, उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है और हम लोगों के लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। हम सोचेंगे पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सोचेंगे, वे सोचते थे अपनी खानदान के लिए सोचते थे, बहुत दृष्टि गई भतीजे तक पहुंच गई, उससे बाहर नहीं जाती थी, उससे बाहर सोची नहीं थी। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आज प्रदेश के अंदर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, बड़ी भयावह स्थिति थी 2017 के पहले, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब हम लोग निकलते थे, 2017 में जब विधानसभा चुनाव में हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए थे, किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे, परिवार के सदस्य एक ही बात कहते थे, हमें इस नरक से कैसे निजात मिलेगी, कैसे निजात मिलेगी। मैं पूछता था क्या हो गया, कहते थे बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, क्या हो गया, कहा सब गुंडे परेशान करते हैं, कभी भी उठा के ले जाते हैं। क्या आज किसी बेटी को कोई छेड़ने का दुस्साहस करेगा? उस दुशासन और दुर्योधन को मालूम होगा, फिर पहले तो महाभारत के लिए कृष्ण ने युद्ध किया होगा, अब तो जिन बेटियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, ये वहीं पर महाभारत रचा देंगी और वहीं पर उसको काम तमाम कर देंगे। भाइयों बहनों, अंतर यही है, पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, क्या ये समाजवादी या कांग्रेस या वोआ की पार्टी बनाती? क्या राम मंदिर से इनसे कोई उम्मीद करते थे? आज आपको अयोध्या में राम मंदिर बनने पर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? पीछे सड़क वाले भी बोलो, अच्छा लग रहा है ना? राम अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, भारत के गौरव के मंदिर के रूप में आप देखते हैं? अगर है तो भाइयों बहनों, ये काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी, इसलिए सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भक्तों की भावनाओं के अनुरूप भव्य मंदिर के निर्माण कार्य भी आगे बढ़ा दिया गया। मैं पहले देखता था सीतापुर की ओर से, जब कावड़ यात्रा निकलती थी सावन के महीने में, तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी या बहन जी की सरकार होती थी, ये बैन लगा देती थी, कहती थी कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे। मैं 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा भी आखिर क्यों रोक लगती है इस पे? कहा साहब वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा सभी प्रकार की यात्राओं में फिर रोक लगनी चाहिए। कावड़ यात्रा को रोकोगे और अन्य प्रकार के जुलूसों को निकालने दोगे तो कैसे काम चल पाएगा? हमने कहा कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए। और भाइयों बहनों, यहां पर तो कम है, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं, 4 करोड़ श्रद्धालु, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी होता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और कावड़ यात्रा में भाग लेते हैं। हमने कहा कि भाई देखो, पता नहीं, भगवान शंकर तो हमारे यहां कण कण में भगवान शंकर का वास माना गया है और इसलिए कोई भी इस यात्रा को रोकेगा नहीं,
हां हम पुष्प वर्षा जरूर करवाएंगे, हेलीकॉप्टर आप ले जाइए और सरकारी हेलीकॉप्टर से निगरानी भी करिए, पुष्प वर्षा भी करते जाइए। वे लोग कांवड़ यात्रा को रोकते थे और हमारी सरकार ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बना करके देश और दुनिया के सामने दिखा दिया कि काशी विश्वनाथ धाम भारत की आस्था का प्रतीक बनकर के उभरेगा। भाइयों बहनों अंतर यही है, वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजन पर रोक लगाते थे, हमारी सरकार आई हमने रोक को हटाया और रोक को हटाने के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को न केवल मथुरा और वृंदावन में बल्कि भव्य रंगोत्सव के कार्यक्रम के साथ भी हमने उस तीर्थ को जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों आज प्रदेश समग्र विकास की दिशा में अग्रसर है। मुझे याद है यहां के प्रगतिशील किसान लगातार मेहनत करते हैं, 2017 के पहले कर्ज के तले दबे हुए थे, उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता था, गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया था। हमारी सरकार आई, भाइयों बहनों पिछले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक गन्ना किसानों के खाते में करने का कार्य किया है। अगर मैं सपा और बसपा दोनों सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल को देखूं तो भाइयों बहनों 14 वर्ष में गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य जितना भुगतान नहीं हुआ था उतना गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने मात्र 4.5 वर्ष के अंदर करके दिखाया है। एक तरफ गांव के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए, प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ आप सब ने देखा होगा, सपा की रही हो, बसपा की सरकार रही हो या कांग्रेस के नेतृत्व की इससे पहले की सरकारें रही हो, प्रदेश में आस्था के साथ खिलवाड़ करना, दंगा फसाद करना, बहन बेटियों की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा करना, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालना, गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं को हजम कर जाना इनकी नियति बन चुकी थी। ये लोग प्रदेश के विकास में बाधक हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करते थे। आज यही कारण था उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था और आज भाइयों बहनों हम सब आपके बीच आए हैं। ये जनविश्वास यात्रा आपको डबल इंजन की सरकार के डबल फायदे दिखाने के लिए कि आपने आशीर्वाद दिया, बदले में उसका लाभ प्रदेश को भी और जनता जनार्दन को भी प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों यह जनविश्वास यात्रा आपके इस उत्साह को अगले 3 महीने तक बनाए रखने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास पहुंची है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और प्रदेश की सरकार के कार्य से खुश हैं? जो लोग खुश हैं, ओपार नहर की पटरी और सड़क पर जो लोग खड़े हैं वही लोग भी, और जहां इस पंडाल के बाहर पीछे भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, वे सभी लोग अपना हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करें, जो लोग खुश हैं मुट्ठी बांध करके संकल्पित होंगे मेरे साथ में, दोनों हाथ खड़ा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।